मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग, सबसे सरल चीज है, कोई भी जब कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। छोटे बच्चा लोग भी भगवान का नाम जप कर सकते हैं, लेकिन ये जो भगवान का नाम सरल है लेकिन सबसे सिंपलेस्ट मोस्ट पावरफुल मेथड। तो हमारे आचार्यों ने भगवान के नामों की इतनी महिमा बताई है कि कैसे नाम कितना महिमाजनक है। तो उन्होंने नाम की ग्लोरी में बहुत सारे श्लोक लिखे हैं, तो बहुत सारे शतक लिखे हैं, अष्टकम लिखे हैं। तो एक अष्टक में आता है, जैसे नाम ही सब कुछ है, मधुरम मधुरेभ्यो अपि पावनम पावनेभ्यो अपि मंगलम मंगलेभ्यो अपि हरे नामेव। भगवान का नाम ही सब कुछ है। मीठा सब मीठा चीज़ है। आदमी रसगुल्ला खाएगा, थोड़ा देर में क्या होगा, थक जाएगा। 10 20 50 खाने के बाद नहीं खाया जाएगा। लेकिन भगवान का नाम ऐसा चीज है कि हमारे आचार्य विन 50 साल 60 साल से भगवान का नाम जप करें लेकिन कोई बोर नहीं होते। लेकिन भगवान का नाम मधुरम मधुरेभ्यो, तुकाराम महाराज जी बहुत से अभंगों में गाते हैं, गुण तुझे रूप गुण तुझे नाम। गुण मतलब जो खाते हैं हम लोग, गुड़। तो गुड़ कैसा होता है, मीठा होता है। तो गुड़ तुझे रूप, आपका रूप कैसा है, एकदम मीठा गुड़ जैसा। और चीनी, गुड़ की जगह से चीनी, चीनी जैसा एकदम। और गुड़ तुझे नाम, भगवान का नाम बड़ा मधुर है, बहुत पवित्र, इससे मीठा कोई चीज़ नहीं। तो दुनिया में आप कोई भी चीज़ से आसक्त होंगे, एक समय आपको वो मिठास देना बंद कर देगी। आप सोचिए कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कंटिन्यूस आनंद दे सकती है, ऐसी कोई चीज़ भौतिक स्तर पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं। तो आदमी इंद्र तृप्ति करता है, सेक्स करता है, लेकिन कितने देर तक थक जाएगा, क्योंकि वो भौतिक है। लेकिन भगवान का नाम क्या है, आध्यात्मिक होने के कारण हम बहुत सारे आचार्य ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो हरिनाम उनके मुख से रुकता नहीं। हमने भी देखा बहुत सारे आचार्यों को, हमारे इस्कॉन के भक्तवृंद को, कि वो लोग मृत्यु काल पे इतना कष्ट हो रहा है उनके शरीर में, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को इतना कष्ट हो रहा है, उनका बॉडी में एकदम कष्ट ही कष्ट है, कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर परम पूज्य राधा स्वामी महाराज उनके साथ थे, वो तो महाराज वो हरि नाम रोक नहीं पा रहे थे, हरे कृष्ण उनके मुख से एकदम निकल रहा है। तो बोले बड़ा आनंद आ रहा है मुझे भगवान का नाम। तो अगर भगवान के नाम में अगर कुछ मिठास नहीं होगी तो कैसे कोई मृत्यु शैया पे कष्ट में स्थिति में भी वो भगवान का नाम लेके, बताया कि उनके डॉक्टर्स भी विश्वास नहीं कर रहे थे कि आदमी खुश कैसे रह सकता, इसके शरीर में इतना पेन हो रहा है बता रहे थे डॉक्टर्स कि ये असहनीय है। लेकिन कोई आदमी अगर भगवान का नाम लेता है, उसमें इतनी मिठास है दिव्य स्तर पर उसे ले आता है, उसे भौतिक शरीर का भी कष्ट। हमारे हरिदास ठाकुर भगवान का नाम जप कर रहे हैं और उनको कोड़ों से मारा जा रहा है, सोचिए दिन भर कोड़ों से मारा जाए जल्लादों के द्वारा कितना कष्ट होगा, लेकिन उसमें वो हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। चूंकि भगवान का नाम बहुत से अभिन्न इतना आनंद देता है, इतना आनंद देता है कि अभियों कष्ट, इसलिए भगवान के नामों को अभी हमें उतना आनंद नहीं देगा ये नाम, जब तक हमारा हृदय में जिस प्रकार से वो बोलते हैं गन्ने का जूस तो मीठा होता है लेकिन जिसको पीलिया रोग हो गया है, जॉन्डिस हो गया, उसे मीठा नहीं लगता। वैसे जब तक हमें कृष्ण भोग वांछा रहेगी इस दुनिया में भोगने की, तब तक वो मीठा उतना नहीं लगेगा। जैसे जैसे हम लोग का भोग वासना खत्म होती जाएगी, इस दुनिया में हम लोग भोगने की इच्छा चीजें जैसे जैसे खत्म होने लगेगी, वैसे वैसे भगवान का नाम बड़ा मीठा लगेगा, तो मन करेगा छोड़ ही नहीं सकता है। और अगर भोग वासना बहुत ज्यादा है तभी भी आदमी को ये नाम जप करना चाहिए, रोते हैं भगवान
कृपा करके आपका नाम ही ऐसा एक औषधि है जो अपने आप, इसलिए मधुरम मधुरम पिओपि पावनम पावनम और पवित्र भी कर देगा आपको अपने आप। कितने भी गंदगी आपके अंदर हो, काम करो लो, अपने आप हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, अपने आप ही भगवान का नाम आपके सभी अशुद्धताओं को अपने आप हटा देगा और आपको ही पता नहीं चलेगा कि आप शुद्ध होते जा रहे हो। वैसे वैसे दिव्य नामों में बड़ा दिव्य आनंद आने लगेगा। इसलिए हमें रूप गोस्वामी बोलते हैं किंतु आदरात, बड़े आदर से बड़े रिस्पेक्ट से रोज भगवान का नाम लेना चाहिए विद ग्रेटफुल हार्ट कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि जो ब्रह्मा शिव इत्यादि भगवान के भक्तों के संग में जप करना चाहते हैं, मुझे आज इतना बड़ा सौभाग्य है कि यह भगवान का दिव्य प्रेम नाम मुझे लेने का मौका मिल रहा है। इस प्रकार से भगवान को धन्यवाद देते हुए, गुरुजनों को धन्यवाद देते हुए, प्रभुपाद जी को धन्यवाद देते हुए, चैतन्य महाप्रभु को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने गोलों के प्रेम नाम हरिनाम संकीर्तन, उन्होंने प्रेम धन हम लोग को ला के दिया है और हमें इतना बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग इसे ले सकते हैं। इसलिए बड़े श्रद्धा से, बड़े आदर से, बड़े ही कृतज्ञता के भाव से भगवान का नाम लेना चाहिए। वेरी रिस्पेक्टफुली एवरी मंत्र वी शुड ट्राई टू हियर अटेंटिवली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम, क्योंकि इससे बड़ा धन दुनिया में कुछ नहीं है। यही आनंद जीवात्मा खोज रहा है, कुछ खाना कोई अच्छा चाहता है, क्यों? क्योंकि वो आनंद खोज रहा है, मधुरता खोज रहा है जीवन में, सोच रहा है कि उसे स्वीट राइस खा के स्वीटनेस मिलेगी, लेकिन स्वीट राइस से स्वीटनेस नहीं मिलेगी, स्वीट राइस से और वो वासना ही बढ़ेगी। लेकिन आपका आप जब भगवान का नाम लेने लगे तब जीवन में सच्ची मिठास, सच्चा धैर्य, सच्चा आनंद आप अपने आप अनुभूति करेंगे। इसलिए हमें बहुत ही आदर से प्रयास करना चाहिए, मन नहीं भी लगे फिर भी लगाना चाहिए, क्योंकि सच्चा आनंद इसी में है, सच्ची सुख इसी में ही है। मन भागेगा इधर उधर, प्रयास करना चाहिए। इसलिए सुबह उठ के जब कर लेना चाहिए, बिकॉज दिन में फिर वो इतने भौतिक विचार प्रभावी हो जाते हैं जीवन में कि उस समय आप जप नहीं कर पाएंगे, अपने भौतिक विचारों का जप करेंगे। इसलिए दिन में जप करना मैं देखता हूँ, दिन हो जाता है फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है जप करना, बिकॉज इतने विचार प्रबल हो जाते हैं, इतने भौतिक जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, तो आदमी उस समय जप नहीं कर पाता, मन के विचार एकदम प्रभावी हो जाते हैं, फिर भौतिक चीज़ों का चिंतन करके और आदमी थक जाता है। तो इसलिए आदमी को प्रयास करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, जब शांत है एकदम, सुबह 4 बजे एकदम शांत होता है माहौल, अभी सभी देवी देवता भी यहाँ पर विचरण करते हैं और खूब आशीर्वाद देते हैं। जिसको भी देखते हैं कृष्ण की भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, उसके जीवन में परम मंगल को भर देते हैं। इसलिए क्या बोला गया है, मंगलम मंगलेभ्यो, इसलिए हरे नामेव, तो इसलिए श्लोक में बोला गया है मधुरम मधुरेभ्यो अपि पावणम पावणेभ्यो अपि मंगलम मंगलेभ्यो अपि हरे नामेव केवलम। नामष्टकम का एक पहला श्लोक है, बहुत सुंदर ऐसे 8 श्लोक है, इसकी हम चर्चा करते रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, प्रणाम प्रभु की।